खरगोन जिला मुख्यालय की गंगाधाम कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात चोरों ने सुने मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ। इस मकान पर किरायेदार के रूप में रह रहे विशाल भावसार अपने परिवार सहित गणगौर पर्व मनाने मामा के यहाँ गए थे। इस दौरान सुना मकान देखकर अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 10,000 नकद और सोने चांदी के जेवरात की चोरी को अंजाम दिया। विशाल भावसार ने बताया कि मकान मालिक ने सूचना दी कि मकान के ताले टूटे हुए हैं। आकर देखा तो कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखे नकद सहित सोने चांदी के आभूषण जिनकी कीमत लगभग 60,000 रुपये है, इनका चोरी होना बताया है। रात में आज और मुझे पड़ोसी का फोन आया था, यानी हमारे मकान मालिक का ही फोन आया था यानी कि भैया आप लोग कहाँ पर हो। तो बताया कि मैंने बताया था हम गणगौर के लिए मामा के वहाँ आए हैं, तो बोले आपके घर जाओ बोले, और उनके ताले टूटे हुए हैं। तो मैंने आया तो मैंने देखा तो पूरे सब मुझे 4-5 ताले लगे हुए थे। कहाँ गए थे आप गणगौर मनाने? अंजड़। आप अंजड़ के रहने वाले हैं? नहीं, अंजड़ के नहीं रहने वाले, अंजड़ मेरे मामा का घर है। मामा का घर है। क्या क्या लेगा कमरों में से? कैश था अलमारी के अंदर, कुछ नहीं हाथ लगाया, सिर्फ कैश लेके गए हैं और आभूषण लेके गए हैं, पांजब लेके गए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? 50-60 हज़ार रुपये की चोरी है। रिपोर्ट किया आपने? हाँ, रिपोर्ट की है। क्या नाम आपका? विशाल भाव साहब। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट।